बाज लड़कियों को माहवारी के अय्याम में घर के मर्द हजरात के सामने मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या इस तरह के झूठ पर गुनाह मिलेगा? बेशक झूठ बोलेंगे तो गुनाह मिलेगा। आप रोजे से नहीं हैं, आप कह दीजिए उजर है, शरई उजर की वजह से हमने रोजा नहीं रखा। जो हजरात समझ जाते हैं उस उजर को ठीक है, जो नहीं समझ पाते हैं वो अपने घर की दूसरी बड़ी औरतों से पूछ लें, दूसरी बड़ी औरतों से पूछ लें, वो बता दें कि उजर क्या क्या चीज होती है औरतों को। लेकिन झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। दिन भर वो खा सकती हैं, जिसने दिन के शुरू हिस्से में खाया वो दिन के आखिरी हिस्से तक भी खा सकता है, शरीयत ने इजाज़त दे रखी है शरई उजर की बुनियाद पर। तो शरीयत ने इजाज़त दी है कि खाओ, तो कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर शरई उजर के बगैर अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़ देता है तो ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना दीगर दूसरे मुफत्तरात का वो इस्तेमाल कर सकता है, वरना उसका गुनाह बढ़ता जाएगा।